नई खबरें और ताज़ा अपडेट के लिए हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं और घंटी बजाएं ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, उदयान एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अबोहर के कुछ प्रमुख समाचार इस प्रकार से हैं। SDM पूनम सिंह ने गाँव रुकनपुरा खुईखेड़ा की खरीद मंडी में धान की खरीद का शुभारम्भ करवाया। इस मौके पर उनके साथ आढ़तिया एसोसिएशन के प्रधान अनिल नगौरी, मार्केट कमेटी के सचिव सुलोद बिश्नोई विशेष रूप से मौजूद थे। श्री सनातन धर्म रामनाटक क्लब की ओर से मार्केट कमेटी की पुरानी जगह पर आयोजित की जा रही भव्य रामलीला में कल दिवस कलाकारों द्वारा सीता स्वयंवर का शानदार मंचन किया गया। समाजसेवी संस्था रोटरी क्लब सेंट्रल अबोहर द्वारा कंदवाला अमरकोट के सरकारी प्राइमरी स्कूल में ग्लोबल हैंडवाश डे के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों को स्टेशनरी का सामान, साबुन, टावल इत्यादि वितरित किए गए। दिल्ली पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। धान की पराली को आग नहीं लगाने और किसानों में जागरूकता लाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक जागरूकता वैन की शुरुआत की गई है। दशमेश एग्रोटेक कस्टम हायरिंग सेंटर फाइलका द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई वैन को डिप्टी कमिश्नर सरदार मनप्रीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटी संस्था रक्षा संस्थान की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए गए। ऑल रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन की बैठक आज एसोसिएशन के चेयरमैन मनोहर लाल गुंबर के प्रतिष्ठान गली नंबर 15 स्थित गुंबर गारमेंट पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सरबजीत सिंह कामरा ने की। दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। कल फिर हाजिर होंगे नए व ताज़ा समाचारों के साथ। धन्यवाद।